हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ वरुण जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, और मेरे साथ हैं आज अक्षय जैन। ही इज एमए इन इकोनॉमिक्स एंड फैकल्टी ऑफ अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स एट वेरियस रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर पास्ट 7 ईयर्स। आज हम इकट्ठे हुए हैं टू डिस्कस द यूनियन बजट 2020। आज जैसे कि 1 फरवरी 2020 को हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने यूनियन बजट डिलीवर किया, उसी की कुछ की हाइलाइट्स हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। अक्षय जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि बजट होता क्या है। थैंक यू वरुण। जैसे आपने पूछा कि बजट होता क्या है, सो बजट इज़ अ स्टेटमेंट जिसमें गवर्नमेंट अपने रिवेन्यूज, जो कि उसको पैसा मिलने वाला है और जो अलग अलग सेक्टर पे खर्चा करने वाले हैं, उन सबका एक स्टेटमेंट डेवलप करते हैं। बट ये जो सारे स्टेटमेंट में रिवेन्यूज एक्सपेंडिचर के बारे में बात होती है, ये सब प्रोविजंस होते हैं। प्रोविजंस किस चीज़ के लिए? नेक्स्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब जो आज फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है बजट, वो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए है? वो है आपका अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के लिए। सो जो भी इसमें इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए एस्टिमेट्स बनाए हैं, प्रोविजंस बनाए हैं, वो कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए। ठीक है, मतलब कि अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो दिस बजट इज एप्लीकेबल तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021। और अगर मैं इनकम टैक्स की टर्म से बोलूँ, क्योंकि मैं इनकम टैक्स बैकग्राउंड से लिंक करता हूँ, तो अगर मैं इनकम टैक्स की टर्म से बोलूँ, दैट इज फॉर असेसमेंट ईयर 2021 एंड 2022। जनरली क्या होता है, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि जो हमारा बजट है, जो अभी बजट आया है, वो फाइनेंशियल ईयर 1920 जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। That is applicable for the coming financial year. तो सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि बजट आज का आपके हिसाब से किस हिसाब से रहा? अच्छा रहा, बुरा रहा, आम आदमी के लिए रहा, गरीब लोगों के लिए रहा, इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, क्या करेगा? प्लीज़ अपना ओपिनियन दीजिए इसमें। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहेंगे, मुझे बजट जो आज बजट प्रेजेंट किया गया है वो एक इंक्लूसिव एंड डेवलपमेंट ओरिएंट बजट लगता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए जब से आप अगर देखेंगे, जब लास्ट ईयर जो नई मोदी गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, उसके बाद से उन्होंने एक चीज़ एक स्टार्टिंग से उनका एजेंडा डेवलप रहा कि इंडियन इकोनॉमी को बाय 2024 उन्हें 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाना है। तो अगर आप देखेंगे जो जुलाई 2019 का बजट आया, जो फर्स्ट बजट था उस टाइम का, देन सितंबर में जो कॉरपोरेट टैक्स रेट को गवर्नमेंट ने कम किया, और जो आज का बजट था, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि वो इंडिया को, जो इंडिया की ग्रोथ है वो उस डायरेक्शन में है, ताकि वो बाय 2024 तक वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। देखिए, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हम हर एक चीज़ को एक शॉर्ट टर्म में चाहते हैं, इनकम मिले शॉर्ट टर्म में मिले, रेवेन्यू मिले शॉर्ट टर्म में मिले, या ग्रोथ हो रही तो शॉर्ट टर्म में हो सकती है। बट जब आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हो, आज इंडियन इकोनॉमी 2 ट्रिलियन के आसपास है, 2 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन मतलब ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। सो उसके लिए आप एक शॉर्ट टर्म, कोई भी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस नहीं कर सकते, आपको इंप्लीमेंट करने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। सो जो गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया, उससे फायदा क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं, वो उनके पास उनका प्रॉफिट ज़्यादा बचेगा, वो उसको ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे अपने एक्सपेंशन के ऊपर यूज़ करेंगे। जब वो एक्सपेंशन पे यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो उससे क्या होगा? ग्रोथ होगी। तो ये सब ग्रोथ हमारी क्या है? लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव है। तो जो आज का बजट भी था, अगर आप देखेंगे उसके ऊपर, तो एग्रीकल्चर के ऊपर गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स को उसके प्रोविजंस बनाए हैं। वाटर सैनिटेशन, जो ऑलरेडी सैनिटेशन के ऊपर आप देखेंगे कि 2014 से मोदी जी ने स्वच्छ भारत आंदोलन स्टार्ट करा हुआ है। तो ये सब क्या है? ये हमारे हेल्थ को, जब हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा तो हम अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो ये सब क्या है? मेरे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये बजट बहुत अच्छा है। लेकिन सर, मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा, मतलब बेसिकली कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूँगा कि अभी हमने देखा कि जो मार्केट क्लोज हुई है आज वो 3% डाउन मार्केट क्लोज हुई है। तो ये तो अभी आप कह रहे हो कि बजट अच्छा रहा, तो ये तो मेरे ख्याल से अगर मार्केट इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो ये तो कुछ ठीक नहीं रहा, मार्केट ही 3% डाउन चली गई। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि जो मार्केट सेंटीमेंट्स थे, देखिए उसके कई रीज़न्स हैं। मैं पहला रीज़न बोलना चाहूँगा, सैटरडे था, तो सैटरडे को स्पेशली एक्सचेंजेस ने अपना ओपन किया ताकि जो मार्केट के पॉजिटिव साइड नेगेटिव सेंटीमेंट्स है वो आज ही वो एब्जॉर्व कर सके। बट दो मेन रीज़न है, वो ये है कि जो ग्लोबल मार्केट से सारी वो सैटरडे क्लोज होती हैं। हाँ जी, आज के टाइम में हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हैं, तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इंडियन इन्वेस्टर्स ही वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सारी जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं
ऐसा नहीं है कि ग्लोबल इन्वेस्टर से आज इन्वेस्ट नहीं किया होगा, उन्होंने आज भी किया होगा, बट एक जो प्रॉपर सेंटिमेंट्स होते हैं, अब मोस्टली जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो अब हो सकता है कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हों जिन्होंने आज ऑफ हो उनका, वो आज इन्वेस्टमेंट करने ही नहीं आए हो। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि जब आपका मंडे मार्केट ओपन होगा तो वो ज़्यादा इन्वेस्टर्स वो ज़्यादा रेप्लिकेट करेगा कि बजट से उनको क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनको ये सजेशन देना चाहूँगा कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आप 2-3 साल का अपना टाइम पीरियड बना के चलिए और आप देखेंगे कि 2-3 साल में आपको कितने रिटर्न मिलेंगे। इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छे पेस पे है, अच्छी ग्रो कर रही है, कुछ ठीक है शॉर्ट टर्म में। देखिए आप ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम जब रहते हैं तो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी इंपैक्ट करते हैं। अब जैसे कोरोना वायरस चाइना में चल रहा है तो वो एक कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेगा, चाइना की ग्रोथ, यूएसए की ग्रोथ, वो सब चीज़ें इंपैक्ट करेंगी। मतलब तो नेबरिंग कंट्रीज़, बिल्कुल। तो आप अपना एक लॉन्ग टर्म होराइजन बना के चलिए 2-3 साल और आप देखेंगे कि आपको जब इंडियन इकोनॉमी कितना ग्रोथ करके देगी, आपकी जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे वो कई टाइम मल्टीपल हो जाएगा। ये ऐसा मेरा ओपिनियन है। मतलब सर आप कह रहे हैं कि जैसे मार्केट डाउन जाने का कारण बजट का नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिंग कम हुई है बेसिकली, या फिर जो अपना सैटरडे था इस वजह से कुछ रीजन रहेगा, मंडे को ये बूस्ट कर जाएगी। मंडे को बिल्कुल बूस्ट करना चाहिए, मंडे को बिल्कुल, क्योंकि बजट में ऐसा कुछ था नहीं। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ने आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को खत्म कर दिया, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स में काफी रिलीफ प्रोवाइड किया है, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के अंदर अलग अलग स्लैब्स यानी 5%, 10%, 15%, 20%, 25% एंड 30%। सो आज तक सिर्फ 10, 20, 30 स्लैब्स थी, बट आज 6 स्लैब्स कर दी गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना चाहती है कंज्यूमर को भी, कॉर्पोरेट को ऑलरेडी रिलीफ दे चुके हैं, अब वो चाहते हैं कंज्यूमर्स को रिलीफ हो ताकि डिमांड बूस्ट हो। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि काफी अच्छा बजट रहा है ये। सर इस बजट में जो अगर हम बोलें कि भाई जो ज़्यादातर बड़ी बड़ी कुछ चीज़ें अगर कि मैं बात करूँ ओवर, मतलब जो मेजर चीज़ की बात करूँ, गवर्नमेंट ने ये बोला गया है कि वैसे LIC को प्राइवेटाइज करने की बात पहले से ही हो रही थी, ठीक है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहता है ना कि उस पर मोहर दे दी है या डिक्लेरेशन दे दी है कि भाई अब LIC विल बी प्राइवेटाइज। तो आपका क्या मानना है कि क्या ये ठीक है या बुरा है या अच्छा है? देखिए LIC को प्राइवेटाइजेशन की अगर आप बात करेंगे तो हाँ बिल्कुल, आज बजट में गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया कि गवर्नमेंट वेरी सून गवर्नमेंट LIC का प्रपोजल लेके आने वाली है मार्केट में, जितना भी वो उसका, और उन्होंने ये भी बोला है कि वो इसका बड़ा पोर्शन मार्केट में सेल करेंगे। ऑब्वियसली वो इसका मार्केट में शेयर लेके आएंगे तो जिससे इसका IPO के थ्रू इसका मार्केट सेल होगा। बट मेरा कुछ यहाँ पे ओपिनियन ये है कि अगर आप देखेंगे कि जो LIC है वो हमेशा गवर्नमेंट के लिए एज अ लास्ट रिजॉर्ट काम करता है। जब भी गवर्नमेंट को किसी कंपनी को या किसी सेक्टर को सेव करना होता है, किसी डेट रिटर्न कंपनी को सेव करना होता है, तो वो जनरली LIC को कहते हैं और LIC उस कंपनी में इन्वेस्ट करती है। बट अब मुझे लगता है कि जब LIC प्राइवेटाइज हो जाएगा तो उसके बाद उसके पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बचेगी नहीं कि वो किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट के कहने पे इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप प्राइवेटाइज हो जाते हो किसी और का उस कंपनी में पैसा लगा हुआ होता है तो आप इतना इजीली, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप अकाउंटेबल हो पब्लिक को, तो आप इतनी इजीली किसी भी कंपनी में नहीं डाल सकते। अब इस टाइम अगर आप देखेंगे LIC की बैलेंस शीट तो उसमें बहुत सारे NPAs हैं, NPAs मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो LIC ने लोन दिया कंपनीज को बट वो रिकवर नहीं कर पा रहे। बट हाँ इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी हो सकता है कि LIC जब वो प्राइवेटाइज जाएगी, प्राइवेटाइज होगी तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है, जो कि हमेशा हमारा प्राइवेटाइजेशन के पीछे का ऑब्जेक्टिव होता है या एम होता है किसी भी PSU को प्राइवेटाइज करने का। सो लेट्स सी क्या होता है। सर मेरा तो ये मानना है कि अगर LIC को प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, एक तो इस समय सर गवर्नमेंट को पैसे की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, फिस्कल डेफिसिट इतना बढ़ चुका है उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, ठीक है। अब मेरे हिसाब से अगर प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट के पास एक तो फंड्स आएंगे जिसकी समय सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो टैक्स स्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट ने कम कर दिया, वहाँ से भी रेवेन्यू कलेक्शन होनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं से तो गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए। और एक मुझे लगता है कि जब देखो कोई भी चीज़ अगर गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर पर जाती है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आई थिंक कस्टमर विल बी मोर सेटिस्फाइड नाउ, क्योंकि क्लेम की जो पहले जो क्लेम मिलता था, क्लेम की सेटलमेंट रहती थी, उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज थे, वो इजीली क्लेम सेटलमेंट हो नहीं पाती थी। अब मेरे हिसाब से अगर प्राइवेटाइज हो जाएगी तो उसकी क्लेम सेटलमेंट भी इजीली हो जाएगी। अब सर अगर कुछ अगर डिस्कशन करें मेजर अगर बात पे, दैट इज टैक्स रेट्स। सर अकॉर्डिंग टू मी टैक्स रेट्स में जो गवर्नमेंट ने प्रपोजल्स दिए थे कि बेनिफिट तो दिए हैं कि भाई टैक्स रेट्स कम कर दिया, कम करने से क्या होगा, लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो उनकी कंजम्पशन पावर बढ़ेगी, कंजम्पशन पावर बढ़ेगी तो ग्रोथ तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि जो टैक्स रेट्स को गवर्नमेंट ने नए टैक्स रेट जो लेके आए हैं उसमें एक तो मुझे ऐसा लगता है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दी है। अब दो रिजीम चलेंगी कि ओल्ड टैक्स रेट्स भी हैं अगर आप डिडक्शन ले लेते हैं, नई टैक्स रेट्स हैं जिसमें हम डिडक्शंस नहीं ले पाएंगे। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि टैक्स रेट्स को गवर्नमेंट को रैशनलाइज करना चाहिए था, इजी कर देना चाहिए था, क्योंकि पहले ही इतनी कन्फ्यूजन है, अब इनकम टैक्स में भी रेट्स को लेकर और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है। इस पर आप क्या कहेंगे?
मैं इस पर एक जरूर एक बात बोलना चाहूँगा, देखिए अब जो इंडियन इकोनॉमी है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। आप अभी तक क्या होता था, गवर्नमेंट आती थी बजट के साथ, वो एक चीज़ बोलते थे ये चीज़ होने वाली है, अब आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। बट ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है। देखिए अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज स्टार्ट हुआ है इंडियन इकोनॉमी का, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको दो फेज दे रही है। कुछ लोग होंगे जो नए रिजीम को फॉलो कर रहे हैं, कुछ पुराने को फॉलो करना चाहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, कुछ सपोज कीजिए कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाते थे, वो एग्जेम्पशंस को यूज़ नहीं कर पाते थे, तो वहाँ पे क्या होगा, वो नई रिजीम को अडॉप्ट करेंगे तो उनसे उनको बेनिफिट होगा। तो क्या करा गवर्नमेंट ने, फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। अब होगा क्या, जैसे जैसे टाइम पास होगा, सपोज कि एक साल दो साल तीन साल, उसमें गवर्नमेंट क्या देखेगा कि सपोज कुछ लोगों ने अपने आप को डाइवर्ट कर लिया, सपोज 75% नई रिजीम को चले गए, उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि अभी सिर्फ यही रिजीम बची है, अब आप कोई नई कोई दूसरी रिजीम आपके पास बची नहीं है। ऐसे कॉर्पोरेट टैक्स में अभी गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि आप नई रिजीम को अडॉप्ट कर लीजिए, पुरानी रिजीम को चलाइए। तो जैसे जैसे कॉर्पोरेट जितना ज्यादा जिस रिजीम को फॉलो करेंगे, गवर्नमेंट उसको फाइनलाइज कर देगा, बट इनिशियली वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं आपको, आप जिसको अडॉप्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ इंपोजिंग वन पर्टिकुलर पॉलिसी ऑन यू, दे आर गिविंग यू सम ऑप्शंस। आई फील कि वो अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। थोड़ा सा उसमें आपका गवर्नेंस हो, आपका फाइलिंग वगैरह, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, वो सब चीज़ें थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर वो सब चीज़ें हमें दिक्कतें उठा के लॉन्ग टर्म हमारे बेनिफिट्स हैं, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी तैयार है उस सब चीज़ों के लिए। सर अब हम एक काम करते हैं, इसमें हम कुछ डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रपोजल्स रखे हैं फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो सबसे पहले तो सर मैंने कुछ लिस्ट बना रखी है सर क्वेश्चंस की, जो मैं सुन रहा था, तो मैं क्या अक्षय सर से जरूर पूछूंगा। मैं सबसे पहली चीज़ तो यह है कि सर फॉरन स्टूडेंट्स को, मैं एजुकेशन सेक्टर पर ये देख रहा था कि फॉरन स्टूडेंट्स को इन्वाइट किया जाएगा टू स्टडी इन इंडिया, उस पर सर क्या गवर्नमेंट ने प्रपोजल्स रखे हैं? देखिए आज तक हम लोग देखते आए हैं कि हमेशा इंडियन स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ते हैं। अब क्योंकि देखिए हमारे पास इंडिया में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs की अगर आप बात करते हैं जो कि टेक्निकल डिग्रीज के लिए है, देन आप IIMs की बात करते हैं, अब यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, अगर आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हमारे इंडिया में हैं उतनी शायद ही किसी कंट्री में होंगी एक्सेप्ट चाइना। जितने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हमारी कंट्री में, अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ हमारी कंट्री में मोर देन 70 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। सिमिलरली जो हमारे नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि हम जो हमारे BA BCom वगैरह डिग्रीज पढ़ते हैं, उन सब के हमारे कंट्रीज़ में स्टेट मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मोर देन 700 हैं। सो इतना बड़ा हमारे पास एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो अगर उसके अंदर गवर्नमेंट उसको अच्छे से बिल्ड कर रही है, इतने हाई हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस हैं, तो आप गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इंस्टीट्यूट की इंडिया से कोई स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाए, हम लोग इंडिया से बाहर के स्टूडेंट को इंडिया में इनवाइट करते हैं। सो उसके लिए गवर्नमेंट क्या प्रोग्राम कर रही है, स्टडी इन इंडिया, कि आप लोग इंडिया में आइए, हम लोग आप लोग इंडिया में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से, आप उनमें आइए, उसमें पढ़ाई कीजिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आप देखते हैं कि अलग अलग वर्ल्ड रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज़ की, अभी तक वहाँ पे अच्छे कोई टॉप 100 में इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटीज़ जगह बना नहीं पाई है। बट उसका रीज़न भी क्या होता है, उनके हमेशा एक पॉइंट होता है कि आपके यूनिवर्सिटी में कितने फॉरन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जब गवर्नमेंट इस तरह का प्रोग्राम लॉन्च करेगा तो उससे फॉरन स्टूडेंट्स इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आएंगे, उससे इंडिया की जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव होगी। सो इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। तो सर जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि पहले अगर हम बाहर एडमिशन या बाहर पढ़ने जाते थे, उसके लिए हमें एक IELTS के नाम से एग्जाम देना पड़ता था, तो क्या कोई एग्जाम का प्रपोजल मतलब फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी है कि भाई बाहर से अगर कोई पर्सन पढ़ने आएगा तो इंडिया में भी उनको कोई एग्जाम वगैरह ऐसा कुछ देना पड़ेगा? एग्जैक्टली आज बजट में निर्मला जी ने बोला भी कि वो एक इनसेट नाम से एक एग्जाम चालू करेंगे, जो कि वो इसी बेसिस पे होगा कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स वो इनसेट का एग्जाम देंगे और उसके एलिजिबिलिटी के बेस पे वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। सर अगर मैं कुछ अब दूसरे सेक्टर की बात करूँ, लाइक इंपोर्ट ड्यूटीज़, गवर्नमेंट ने कई सारी चीज़ों पे, मैंने भी बजट में सुना कि कई सारी चीज़ों पे इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज़ कर दिया है, तो सर इससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है इकोनॉमी पे? बिल्कुल, जब हम सबसे पहली चीज़ कोई भी अगर से सुनता है कि इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ हो गई है, तो हर किसी को लगता है कि कंज्यूमर के लिए महंगा हो गया सामान। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है, क्योंकि जनरली कंज्यूमर इंपोर्ट करता है चीज़ों को, और इंपोर्ट जब ड्यूटी लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो वो चीज़ हमारे लिए कॉस्टली हो जाएंगी, तो उससे क्या होगा, कंज्यूमर को दिक्कत आएगी। बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज़ करी है वो सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स पर इंक्रीज़ करी है, जैसे आपके फर्नीचर, फुटवेयर, इन सब चीज़ों पर। वो किस लिए करा है, ताकि ऑलरेडी इंडिया में ऐसे एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं जो कि हाई क्वालिटी फर्नीचर या हाई क्वालिटी आपका फुटवेयर वगैरह डेवलप कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उन लोगों को प्रोटेक्टिव एक शील्ड प्रोवाइड करने के लिए, ताकि अब जब इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगा तो फॉरेन के गुड्स इंडियन कंज्यूमर्स के लिए कॉस्टली हो गए, तो उन जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनको बेनिफिट होगा उससे।
ठीक है, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि कुछ सेक्टर्स, कुछ गुड्स ऐसे हैं जो कि MSMEs, हमारे जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं, वो बनाते हैं उनको, उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो उनको एक प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करने के लिए, ताकि उनको, उनका जो कॉम्पिटिशन है फॉरन कंपनीज के साथ वो थोड़ा सा कम हो सके, उसके लिए गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है। बट इसके साथ में गवर्नमेंट ने आज बजट में एक चीज़ और बोली, थोड़ा सा शायद उन्होंने बजट में इस चीज़ के बारे में डिटेल में कम बताया, बट जो उनका पूरा बजट का प्रिंटआउट आप उसके अंदर देख सकते हैं, उन्होंने जो कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करिए किसके ऊपर, इनपुट्स के ऊपर या रॉ मटेरियल्स के ऊपर, ताकि जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो इनपुट्स या रॉ मटेरियल्स उसके वो चीपली परचेज कर सके फॉरेन से, ताकि जो वो प्रोडक्शन भी करेंगे उसके भी कॉस्ट कम हो जाएगा। सो इसलिए हमें सुनने में ऐसा लग सकता है कि इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज हो गई तो कंज्यूमर के लिए नेगेटिव है, बट अगर आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे तो ये बेनिफिट है। अच्छा, जैसे कि सर आपने अभी बोला कि इसका डॉक्यूमेंट स्टडी कर लीजिएगा, तो मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल, एक तो वो और एक जो बजट स्पीच है, वो दोनों आपको एज अ अटैचमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इजीली वहां से भी पॉइंट्स को रीड कर सकते हैं। सर अगर मैं अगली बात करूं, सर एक आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ सेक्टर है, दैट इज़ ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो सर मुझे लगता था कि गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर को कुछ ना कुछ, उनको रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी या कुछ ना कुछ उसके लिए प्रावधान लेके आएगी, प्रपोजल लेके आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, कुछ टाइम पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अच्छी बात कही थी कि हम किसी भी सेक्टर को या किसी भी प्राइवेट कंपनी को अपने 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 आप उन्हें अपने आप को इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो टफ टाइम में भी अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो अगर आपका आज के टाइम में ऑटो सेक्टर टफ टाइम में है, तो अगर गवर्नमेंट उनको बूस्ट करने के लिए कुछ भी इंसेंटिव देती है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को खुद ही रिवाइव होना पड़ेगा। बट क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर रूल आपके डिमांड और कंजम्पशन से रिलेटेड होता है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए इनकम टैक्स में आपको बेनिफिट दिया है, उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि उससे आपका डिमांड बूस्ट होएगा। अल्टीमेटली ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन साइड क्यों है, अभी डाउन ट्रेंड में क्यों है, क्योंकि डिमांड नहीं है। वंस डिमांड विल जनरेट, सो ऑटोमोबाइल सेक्टर अपने आप रिवाइव कर जाएगा। तो सर आपका कहने का मतलब है कि डिमांड नहीं है, तो सर डिमांड नहीं है तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए डिमांड नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को टैक्स रेट रिड्यूस करने पड़ गए हैं या बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया गया है ताकि लोगों की कंजम्पशन पावर बढ़ जाए, और इससे डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, इनडायरेक्टली इंपैक्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर को या जो भी डूबे हुए सेक्टर उनको पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो इनकम टैक्स में क्रिएट कम करा जाता है या इनकम टैक्स को कम करा जाता है, उसका रीज़न ये होता है कि आपके पास एक कंज्यूमर के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा जाएगी, उसके हाथ में जब जब डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा जाएगी तो वो ज़्यादा कंजम्पशन करेगा, ज़्यादा कंजम्पशन करेगा साथ में ज़्यादा सेविंग भी करेगा, सेविंग अल्टीमेटली कहा जाती है वापस मार्केट में इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जाती है। सो अल्टीमेटली जब भी कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसा जाएगा तो वो उसको या तो कंजम्पशन करेगा या सेव करेगा, कंजम्पशन करेगा तो डिमांड जनरेट होगी, सेव करेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी हमारी। सो अल्टीमेटली ये सब मेरे डिमांड जनरेट करेंगे, डिमांड बूस्ट होगी, अपने आप ऑटोमोबाइल सेक्टर रिवाइव करेगा, और जो मेरी इकोनॉमी भी डाउन ट्रेंड पे है वो भी रिवाइव करेगी, क्योंकि उससे हुआ क्या, देखिए जब फर्म्स को, जब कंपनीज को ये लगेगा कि हाँ मार्केट में डिमांड है, तो वो क्या करेंगे, अपनी फर्म को एक्सपेंड करेंगे, ऑलरेडी उनके पास कॉर्पोरेट टैक्स से पैसा बच रहा है, सो जब वो पैसा बच रहा है उनके पास, तो वो उसको कहाँ पे यूज करेंगे, एक्सपेंशन में यूज करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो अपने आप इनकम जनरेट होगी। यही पूरा मेरा साइकिल इकोनॉमिक्स का, उसी ये साइकिल के बेसिस पे गवर्नमेंट जो है वो स्टेप ले रही है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि शॉर्ट टर्म आप स्टेप ले लेंगे बट वो शॉर्ट टर्म आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं करेगा। सर अगर एक्सपोर्ट की बात करी जाए, देखिए गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, क्योंकि एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी, फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगी तो जो हमारा रुपी है जो दिन पे दिन गिरता चला जा रहा है एज़ कम्पेयर टू यूएस डॉलर, तो वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो सर क्या फिर दोबारा एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एडिशनल स्टेप्स या कुछ एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करें हैं टू एक्सपोर्टर्स? एक्जैक्टली, आप काफ़ी अच्छी बात पूछी आपने कि एक्सपोर्ट्स किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर, और जैसे कि जो रिसेंट सर्कमस्टांसेस बने हैं जिसमें चाइना की ऑलरेडी जो ग्रोथ है वो अपने लो टाइम पे है, यूएस उसके अपने अलग इश्यूज है, तो इंडिया के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल वर्ल्ड को कैप्चर कर सके। इंडिया की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो हमारे पास अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे टेक्नीशियंस हैं, सो उस सब केसेस में हम अच्छा अपने आप को, अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर सकते हैं, इससे हमारा जैसे आपने बताया कि रुपी हमारा स्ट्रेंथन होगा, और आज गवर्नमेंट ने इसके लिए स्पेशल कुछ स्टेप्स भी करें, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक निर्विक करके एक पोर्टल डेवलप किया है जिसमें वो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेंगे एक्सपोर्टर्स को, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि देखिए जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे गुड्स मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी कई बार दिक्कतें आ सकती हैं,
जैसे कि थ्रेफ्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस सब चीज़ों की वजह से उनको एक इंश्योरेंस कवर चाहिए। तो गवर्नमेंट का एक सेक्टर, एक पोर्टल आएगा जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा एक्सपोर्टर्स को, उससे एक्सपोर्टर्स को एक उनका ट्रस्ट डेवलप होगा। एंड उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्सपोर्ट हब डेवलप कर रहे हैं वो ईच डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जब एक हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक्सपोर्ट हब होगा, जहाँ से उसकी जो रूरल आप कह सकते हैं रूरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, छोटे छोटे हमारे देश में बहुत सारे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे हुए हैं, वो अच्छा क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट क्योंकि अब आप देखिए अगर सिर्फ एक्सपोर्ट्स हमारे बड़े बड़े सिटीज से, टायर वन सिटी से लाइक दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कलकत्ता, अगर सिर्फ इनसे एक्सपोर्ट्स हो रहा होगा तो वो कभी भी छोटा बंदा एक वहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा। बट अगर ये एक्सपोर्ट हब हर एक डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होगा तो वो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है और उनके थ्रू अपने एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं गुड्स को। सो इससे उसको काफी बेनिफिट मिलेगा। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि उनके सेंटीमेंट्स को पॉजिटिव हैं, एक्सपोर्टर्स के सेंटीमेंट्स के लिए काफी पॉजिटिव हैं। ओके सर, अब एक और चीज डिस्कस करते हैं कि हाउ टू यूज मशीन लर्निंग ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज हेल्पफुल इन अ हेल्थ केयर। अगर मैं हेल्थ केयर सेक्टर की बात करूं तो ये कुछ मैं सुन रहा था, इतनी मेरे को सर इसकी नॉलेज नहीं है, तो मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ये हेल्थ केयर सेक्टर पे मतलब क्या, इसका क्या रोल रहने वाला है? देखिए, जो मशीन लर्निंग या आप बात करते हैं कंप्यूटिंग की, क्वांटम टेक्निक्स की, या फिर आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की, ये सब क्या है, मेरी नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं और ये सब कंप्यूटर के एल्गोरिदम्स का यूज करते हैं। ओके ओके, ठीक है। अब ये सिर्फ आपके हेल्थ केयर के लिए यूजफुल नहीं है, ये आपके हर एक सेक्टर के लिए यूजफुल है। अब इससे होता है, कहते कि आज हम बहुत इजीली एक जगह बैठे हुए हम किसी से भी बात कर सकते हैं, ये सब क्या है, हमारे कंप्यूटिंग है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ड्रोन्स हैं, ये क्या है, ये सब न्यू टेक्नोलॉजीज है, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है। अब ये सब अगर आप सिर्फ हेल्थ केयर की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने आज इसके लिए भी स्पेशल से इंट्रोडक्शन दिया है जिसमें गवर्नमेंट ने बोला न्यू इकोनॉमी, उन्होंने एक न्यू इकोनॉमी को डेवलप करने की बात करी है, इंडिया एज अ न्यू इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं। उसमें बात क्या कर रहे हैं, उसमें ये बात कर रहे हैं कि वो यूज करेंगे, वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहेंगे आर्टिफिशियल नेटवर्किंग को, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग को, इन सब चीज़ों को, इन नए नए टेक्निक्स को यूज़ करना चाहेंगे वो हेल्थ केयर के अंदर भी, एजुकेशन के अंदर भी, गवर्नेंस के अंदर भी, सब चीज़ों के अंदर। क्योंकि देखिए हमें आगे बढ़ना है और आगे जो है हमारा सिर्फ कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही सब चीज़ें, उसका टाइम है। तो ये सब चीज़ें आगे आने वाले वक्त में हमें काफ़ी हेल्प करने वाली है, तो गवर्नमेंट उसी की दिशा में अपने आप को मूव कर रहे हैं। तो सर मतलब जितनी भी बातें अभी आपने बताई वो सारी की सारी बूस्ट करी है न्यू इकोनॉमी को। जैसे मैं एफएम की स्पीच सुन रहा था तो शी सेड कि न्यू इकोनॉमी के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करी जा रही है, तो ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं ये सब चीज़ें सब न्यू इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए की जा रही है। नहीं नहीं, देखिए न्यू इकोनॉमी इज अ कंसेप्ट, न्यू इकोनॉमी वो एक कंसेप्ट दे रहे हैं आपको कि हम एक न्यू इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं, इंडिया को एज अ न्यू इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा मेन फोकस या हमारा मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो डिपेंड करेंगे वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्किंग पे डिपेंड करेंगे, आपके ड्रोन्स पे होगा। आप देखिए आजकल सब जगह सीसीटीवी कैमराज हो गए, ड्रोन से हम लोग अपने इजीली हम चीज़ों को देख सकते, मैनेज कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, सैटेलाइट्स। अब आप रिसेंटली देखेंगे लास्ट ईयर कितने इंडिया ने सैटेलाइट्स अपने स्पेस में भेजे हैं, तो वो सब क्या है, हमारे जो प्रोग्रेस है इकोनॉमी का प्रोग्रेस है वो सिर्फ डायरेक्टली प्रोग्रेस नहीं दे रहा है, वो इनडायरेक्टली प्रोग्रेस दे रहा है हमें, हम लोगों को एक पेस दे रहा है, वो उस पेस के ऊपर हम अपने आप को प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये सब बेसिकली जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये सब मुझे हेल्प करती है मेरे ग्रो को, मेरी ग्रोथ को पेस देने के लिए। ओके ओके, अब अगर आप रोबोट्स की बात करते हैं तो आप देखेंगे चाइना के अंदर, चाइना ने कितनी प्रोग्रेस कर ली, वो रोबोट्स को हॉस्पिटल्स के अंदर लेके आ गए जहाँ पे रोबोट्स एज अ नर्स का काम कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, वहां पे आपका एक इंप्रूवमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी के लिए। टेक्नोलॉजी सर, अगर अब हम बैंक्स की बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि 10 बैंक मर्ज होके 4 बैंक रह गए हैं। अब मैं इतना डिटेल में जाऊंगा कौन से बैंक कहां मर्ज हुए हैं, लेकिन अगर नंबर्स में बात करी जाए तो टोटल 10 बैंक जो थे वो 4 बैंक्स में मर्ज हो गए हैं। तो सर बैंक के मर्जर से किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है? देखिए होता क्या है कि जब आपके पास बहुत सारे बैंक्स होते हैं, अब अगर आप देखेंगे अब एक एरिया में 2 बैंक्स की आमने सामने ब्रांच है, उसका बेनिफिट क्या है, किसको बेनिफिट मिल रहा है, अल्टीमेटली रिसोर्स वेस्टेज है वो। क्योंकि आप एक देखिए एक लोकेलिटी में अगर एक ही ब्रांच हो तो ज़्यादा बेनिफिट है। गवर्नमेंट ने क्या किया, 10 बैंक्स को मर्ज कर दिया 4 बैंक्स में, अब जो अगर उनके कस्टमर्स थे वो उसके अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाएंगे। अब इससे बेनिफिट्स देखिए मल्टीपल बेनिफिट्स, एक तो आपके रिसोर्स वेस्टेज बचेगा, आपका रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंट होगा, दूसरा क्या होगा, अब देखिए आप जैसे हमने एनपीए की बात करी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, अब होता क्या था जब आपके पास मल्टीपल बैंक्स होते थे उनके मल्टीपल सीईओज हो गए, डायरेक्टर्स हो गए, तो वो लोग कहाँ पे किसको लोन दे रहे हैं उसको रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल था। जब अगर आपके पास 4 बैंक्स होंगे तो उसको रेगुलेट करना ज़्यादा आसान रहेगा।
उनको अगर सपोज कीजिए उनके पास कैपिटल की दिक्कत होती है, वैसे आज बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बात बोली है कि उनको कैपिटल देने की इस टाइम पे एट द पर्टिकुलर टाइम पे उन्हें जरूरत नहीं है, अगर फ्यूचर में उन्हें लगता है कि बैंक्स को कैपिटल की जरूरत है तो दे विल गिव द कैपिटल, बट एट द पॉइंट उन्हें बैंक्स को देने की जरूरत नहीं है, कैपिटल रेशियो उनका बहुत अच्छा है। ओके, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अगर आप देखेंगे बैंक मर्जर मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छा है, आपका रिसोर्स एलोकेशन ज्यादा एफिशिएंट होगा, आपका रेगुलेशन ज्यादा अच्छा होगा। सर एक अभी पीछे न्यूज़ आई थी लास्ट ईयर, सबको पता है इस चीज़ के बारे में, आर्टिकल 370 को अबॉलिश कर दिया और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी के नाम पे उसको डिक्लेयर किया गया। तो सर क्या उन यूनियन टेरिटरीज के लिए भी गवर्नमेंट ने मतलब सर डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन पैसा भी तो चाहिए उनको, उनको ऑपरेट करने के या उनको एग्जिस्ट करने के लिए, तो सर क्या गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ फंड्स वगैरह एलोकेट करा है ताकि वो टेरिटरीज भी इंडिया का हिस्सा तो बन गई हैं लेकिन वो अच्छे से वो सर्वाइव कर पाए? जी बिल्कुल, आप अच्छा, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जो अभी लास्ट अगस्त में यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ये दो गवर्नमेंट ने फॉर्म किए, इस बजट में उनको एक अच्छा पैकेज दिया गया है और आप देखिए इस पैकेज के बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिट्स मिलने वाले हैं दोनों स्टेट्स को, मैं अभी तो स्टेट्स ही बोलूँगा इनको या आप कह सकते दोनों यूनियन टेरिटरीज को किस तरह से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। देखिए लद्दाख के पास इतनी पोटेंशियल है टूरिज्म की, बिल्कुल, मतलब आप वहाँ पे पूरा एक टूरिज्म सेक्टर डेवलप कर सकते हैं और वहाँ पे सिर्फ नेशनल टूरिज्म नहीं आएगा आपका, इंटरनेशनल टूरिज्म आएगा क्योंकि वहाँ के जो एरिया है वहाँ पे आपके बहुत सारे, आपके पास हिल भी है, आपके पास वहाँ पे वाटर भी है, आप अलग अलग टाइप के वहाँ पे टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं। सिमिलर केस आप कश्मीर, कश्मीर तो हमें पता ही ऑलरेडी, मतलब हम मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं उसे, तो इन दोनों एरियाज में, इन दोनों यूनियन टेरिटरीज में इतनी पोटेंशियल है। आप अभी मैं पीछे किसी का आज ही सुन रहा था किसी का इंटरव्यू और वो बता रहे थे कि अब वो कश्मीर में क्या करेंगे, जम्मू में क्या करेंगे, वो अब अपने वो कश्मीर के अंदर ही अपनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, जो उनके पहले क्लाइंट स्विट्जरलैंड में थे अब वो अपने क्लाइंट्स को कश्मीर बुलाएंगे। इससे क्या, देखिए बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, हम लोग उनको सोच भी नहीं सकते इतने सारे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलने वाले कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को, लद्दाख के लोगों को और साथ में पूरी इंडियन इकोनॉमी को। साथ में इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल पैकेज भी दोनों को अनाउंस किया हुआ है। सर टूरिज्म की बात अगर हुई है तो हम टूरिज्म पे ही आते हैं, सर गवर्नमेंट का फोकस क्या है कल्चरल एंड टूरिज्म एक्टिविटीज के ऊपर या इस सेक्टर के ऊपर, बेसिकली गवर्नमेंट का इस बजट में क्या फोकस रहा? देखिए जो इंडिया है वो बेसिकली मल्टी कल्चरल कंट्री है, बिल्कुल, यहाँ पे आप देखेंगे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे हर जगह आपको अलग कल्चर मिलेगा, अलग टूरिज्म, हर एक स्टेट के अपने अलग टूरिज्म सेक्टर है वहाँ पे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने इस बजट में काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस करी हैं। सबसे पहले उन्होंने एक इंस्टीट्यूट वो ओपन करने वाले हैं जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन, जो कि इंस्टीट्यूट में बेसिकली वो पढ़ाएंगे भी और साथ में वो हेरिटेज और किस तरह से हमारी अलग अलग जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, अलग स्टेट वाइज अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ है उसको प्रिजर्व किस तरह से रखा जाएगा, क्या है उनकी हिस्ट्री है, हमारी इतनी पुरानी हिस्ट्री रही है, उन सब चीज़ों के बारे में उनको वहाँ पर पढ़ाया जाएगा। साथ में उन्होंने 3150 करोड़ रुपये दिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को उन्होंने 2500 करोड़ रुपये दिए हैं। बहुत छोटा बजट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है ये, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को अगर आप बात करेंगे 3100 करोड़ रुपये, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को 2500 करोड़ रुपये, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। और अगर ये लोग अच्छे से अपना इस फंड को यूज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले शायद 2 से 3 सालों में इंडिया एक टूरिज्म सेक्टर डेवलप, पूरा टूरिज्म हब डेवलप कर सकता है। जैसे मैंने बात करी कि लद्दाख, कश्मीर, इस तरह से आप हमारे पास इतने सारे अलग अलग एरियाज हैं जहाँ पे प्रॉपर हम उनको टूरिज्म के प्रॉपर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट एक ट्राइबल म्यूजियम स्टार्ट करने वाली है रांची के अंदर, जैसे हम जानते हैं झारखंड जो एरिया वो ट्राइबल एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट एक ट्राइबल म्यूजियम डेवलप करेगी। ट्राइबल म्यूजियम अपने आप में एक कल्चरल एक्टिविटी हो गया। साथ में गवर्नमेंट ने 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स प्रपोजल उन्होंने अप्रूव कर दिए हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट्स अप्रूव हो गए हैं, वो डेवलप होंगी तो जिस एरिया में डेवलप होंगी उसके उनकी क्या हिस्ट्री रही है वो उसको प्रेजेंट करेंगे, बहुत एफिशिएंटली प्रेजेंट करेंगे आर्कियोलॉजिकल साइट्स। आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर म्यूजियम्स वगैरह बनाए जाएंगे, कुछ म्यूजियम्स भी बनाए जाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर रिसर्च भी होगा, आर्कियोलॉजिकल जो साइंटिस्ट हमारे वो रिसर्च करेंगे वहाँ पे कि किस तरह से जो हमारी हिस्ट्री रही है वो किस तरह से रही है। साथ में आइकॉनिक साइट्स वगैरह भी डेवलप की जाएंगी। तो मुझे लगता है कि कल्चर टूरिज्म सेक्टर इनके ऊपर भी पूरा इनका फोकस रहा है। जैसे कि अगर आप देखना चाहेंगे स्पोर्ट्स के ऊपर, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है इनका प्रॉपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है स्पोर्ट्स सेक्टर के ऊपर। स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने काफ़ी सारा फंड भी एलोकेट किया और आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों में कि इंडिया ने अलग अलग जगह जहाँ पे भी इंडियन एथलीट्स ने अपने आप को प्रेजेंट किया है उन्होंने मेडल्स भी जीतना स्टार्ट किए। बट 2014 से पहले शायद ही हम लोग देखते थे कि हमेशा इंडिया मेडल लिस्ट में कहीं पर होता नहीं था, बट अब मैं होप करता हूँ शायद जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा तो शायद वहाँ पे भी इंडिया के पास काफ़ी मेडल्स आएंगे, स्पेशली गोल्ड मेडल्स भी आएंगे। ओके ओके।
सर जैसे पहले बजट आया करता था तो हमें पता है कि कुछ 4-5 साल पहले रेल बजट अलग हुआ करता था, यूनियन बजट अलग हुआ करता था। अब पिछले 3-4 साल से रेल बजट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट। मैं कह सकता हूँ कि सर क्या जब से रेलवेज़ को प्राइवेटाइज़ किया गया है क्या ये तब से हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो क्या रेल बजट के लिए या रेलवे सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट्स या कुछ प्रपोजल्स प्रोवाइड करे हैं या नहीं करे? देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि रेलवे रेल बजट को यूनियन बजट में मर्ज करना गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन था। देखिए क्योंकि रेलवे, आप उसको रेलवे को कभी प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी में समझिए, वो एक इंडिया की ज़रूरत है, इंडिया की नीड है वो, ठीक है। अगर आप उसको एक सेपरेट बजट दिखाएंगे, उसका एक सेपरेट बजट प्रपोज करेंगे, तो आपको उसकी इनकम शो करनी पड़ेगी, कितना इनकम का हमारा एस्टिमेट है, कितना हमारा एक्सपेंडिचर हम कहाँ पे करेंगे। अब जो जनरली उसमें डेफिसिट होता है वो कौन बियर करेगा? अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही बियर करना है, तो लेट गवर्नमेंट डिसाइड कि उनको कहाँ पे कितना खर्च करना है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया कि उसको उन्होंने मर्ज कर दिया, वो काफ़ी अच्छा रहा। अब साथ में अगर आप बात करते हैं कि रेलवे की प्राइवेटाइजेशन की, देखिए रेलवे प्राइवेटाइज गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है अभी, कुछ उन्होंने दो रेलवे ट्रैक्स, उन्होंने रेलवे लाइंस प्रॉपर, उन्होंने IRCTC जो कि ऑलरेडी रेलवे का ही एक पार्ट है, उसके उन्होंने उसको रन करने के लिए अप्रूव किया हुआ है। काफ़ी सक्सेसफुली अच्छी तरह चल भी रही है वो। बट ये सब चीज़ें होगी प्राइवेटाइजेशन के बारे में। बट सर उसका तो शेयर भी बहुत अच्छा खासा चल रहा है जी। बिल्कुल उसका शेयर मतलब 3 times हो चुका वो ऑलरेडी, नहीं डबल तो अपने लिस्टिंग प्राइस से हो चुका, और जो उसका IPO प्राइस था उससे 4 times हो चुका है। सो मतलब आप देख सकते हैं, क्योंकि उसका रीज़न है कि IRCTC से आपकी मोनोपोली है, जो वो देखिए रेलवे की जो टिकट्स हैं वही IRCTC इशू करता है, रेलवे का टूरिज्म है वो भी IRCTC मैनेज करता है, तो सारी चीज़ें अल्टीमेटली मोनोपोली है उसके पास। अब अगर आप बात करते हैं कि इस बजट में रेलवे को गवर्नमेंट ने क्या दिया, तो गवर्नमेंट देखिए ऑलरेडी एज सच गवर्नमेंट रेलवे को कुछ स्पेसिफिक देता नहीं है। अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट का फोकस है वो 2-3 चीज़ों के ऊपर है कि एक तो उन्हें स्पीड अपनी बढ़ानी है, जो हमारा टाइम है प्रॉपर, सपोज आप दिल्ली टू कलकत्ता की बात करते हैं, रूट की बात करते हैं, गवर्नमेंट का ऑलरेडी फोकस है कि उसका जो टाइम टेकिंग है वो कम होता रहे। अगर आप देखेंगे कि पिछले 5 सालों में गवर्नमेंट ने स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर्स डेवलप करे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी के लिए, वो स्पेशल कॉरिडोर्स स्पेशल ट्रैक्स हैं जो सिर्फ मालगाड़ी के लिए, तो इससे हमारा जो फ्रेट टाइम था एक जगह से दूसरी जगह जाने में फ्रेट में जितना टाइम लगता था वो बहुत कम होएगा। कुछ जगह फ्रेट कॉरिडोर्स हमारे स्टार्ट भी हो चुके हैं। गवर्नमेंट का फोकस है इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर, कि इस साल जो गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंस किया कि 27,000 जो हमारे ट्रैक हैं तो इलेक्ट्रिफाइड होने जरूरी है इस करंट फाइनेंशियल ईयर, जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर उसके अंदर 27,000 ट्रैक्स हमारे इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगे। उसके अलावा जो गवर्नमेंट एक अच्छा, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट एक अच्छा प्रपोज कर रही है, वो ये कर रही है कि वो रेलवे ट्रैक्स के आसपास सोलर पावर प्रोजेक्ट प्लांट्स को डेवलप करेगी। देखिए अल्टीमेटली जो रेलवे के आसपास के ट्रैक्स के आसपास के एरिया है वो खराब ही है, तो बेटर है हम उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करें। और सबसे बेटर यूटिलाइजेशन क्या है? सोर्स, आप सोलर प्लांट लगाइए वहाँ पे, और जो सोलर एनर्जी जनरेट होगी उसको आसपास के रूरल एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर, मतलब कह सकते हैं कि रेलवे से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगी। बिल्कुल, ये सबसे मुझे लगता है बहुत अच्छा एक इनका प्रपोजल है, और ये कितना उस प्रपोजल को हम कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं उसको देखने वाली बात है। अगर ये बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होता है तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे, जो जगह खराब पड़ी है वो यूटिलाइज होगी, साथ में जो रूरल एरियाज हमारे रेलवे ट्रैक जहां से पास हो रहा है उनको बेनिफिट मिलेगा, जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप जनरेट होगी आप उसको रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, आपके लिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है, आप थोड़ा सा भी चार्ज करेंगे तो आपका प्रॉफिट है, रेलवे को प्रॉफिट मिलेगा उससे। मुझे लगता है बहुत अच्छा आइडिया है ये। सर जहां वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है वहां पर एक स्कीम दिमाग में आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, उसको लेकर गवर्नमेंट के अब क्या प्रावधान है, क्या नए प्रोविजंस है, क्या नए प्रपोजल्स रहे उस स्कीम को लेकर? देखिए जब आज मैं जब बजट सुन भी रहा था, तो जब फाइनेंस मिनिस्टर ने ये जब उन्होंने इसके बारे में बातचीत स्टार्ट करी सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, तो जितने भी अपोजिशन वाले थे वो सबका उनका अगेंस्ट का व्यू स्टार्ट हो गया क्योंकि जो उन्होंने डेटा प्रेजेंट किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने ये प्रेजेंट किया कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, कि जितना जितने बच्चे लोग एनरोल करते हैं इफ़ यू कंपेयर इन टर्म्स ऑफ जेंडर, तो जो फीमेल की जो GER है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वो बॉयज़ से हायर है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ हमारे कंट्री में बॉयज़ ही हैं या मेल्स ही हैं जो कि प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारी कंट्री में फीमेल हैं जो कि प्रोग्रेस कर रही हैं और हर एक फील्ड के अंदर वो उनसे अच्छा प्रोग्रेस कर रही हैं। सो मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के जो सेक्टर है वो बहुत अच्छा गवर्नमेंट उसमें काम कर रही है, अलग अलग सेक्टर में किस तरह से वुमेन को उनको प्रोटेक्टिव बनाना है, उनको आगे भी बढ़ाना है, उनको प्रोटेक्टिव करना है, अलग अलग केसेस होते हैं, मैं उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हमारा बजट एनालिसिस है ये। तो आई होप सर MSMEs एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि सर MSMEs वगैरह एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह या स्टार्टअप्स वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो सर ये आजकल बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ने इनके लिए भी कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करे हैं
या कुछ इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें गवर्नमेंट लेके आई है इस बजट में? देखिए, MSMEs की अगर आप बात करते हैं, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, या आप स्टार्टअप्स की बात करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, ये सब चीज़ें देखिए बूस्ट करने वाली हैं। गवर्नमेंट का स्टार्टअप अगर आप देखेंगे, 3-4 साल पहले मोदी जी ने स्टार्ट किया था मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, आपका साथ में स्टार्टअप के लिए भी उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो ये सब किस लिए कर रहे हैं वो? उनका एजेंडा जो है इसके पीछे सबसे बड़ा है एम्प्लॉयमेंट का। जब एक आदमी अपनी कंपनी स्टार्ट करेगा और वो ग्रो करेगा तो उससे होगा क्या, वो 10 नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा। तो बजाय इसके, ये भी गवर्नमेंट ने, आप देखिए मैं सुन भी रहा था आज राहुल गांधी जी ने बाद में बोला कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो कहीं पे बात ही नहीं हुई। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने पूरे बजट स्पीच में एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात नहीं करा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में कभी डायरेक्ट बात नहीं करी जाती, वो एक इनडायरेक्ट चीज़ है। आप ये थोड़ी कहेंगे कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स इतनी जनरेट करूंगा। गवर्नमेंट कहती है, अब गवर्नमेंट सब चीज़ें प्राइवेटाइज कर रही है, गवर्नमेंट जॉब कहीं भी नहीं मिलने वाली आपको। आप हर एक चीज़ या तो खुद आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया, आप उसको स्टार्ट कीजिए नए लोगों को, या तो आप अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं तो इतने सारे प्राइवेट कंपनीज खुल रही है, आप उनमें काम कीजिए। मतलब सर कह सकते हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अपने आप ही बढ़ेगी। बिल्कुल जैसे आपने पीछे बात करी, जब फर्म्स अपने आप को एक्सपेंड करेंगे, कंपनीज एक्सपेंड करेंगे, तो उन्हें तो हायर करना ही है ना। ये थोड़ी कि अपने आप ही काम करते रहेंगे, वो हायर करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो स्पेसिफिकली अगर फाइनेंस मिनिस्टर ये कहे कि हम 10 लाख नौकरी जनरेट करने वाले, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता ना। बिल्कुल, वो तो अपने आप में एक इंडायरेक्ट वे है। अगर आप ग्रो करोगे तो आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी ही होनी है। सर, फिस्कल डेफिसिट जो कि बहुत मेजर इशू रहा इस बजट में, एफएम साहब ने ये कह दिया, एफएम मैम ने ये कह दिया कि फिस्कल डेफिसिट जो करंट ईयर का है दैट इज 3.8%, इस ये रिड्यूस हो जाएगा 3.5% पे। तो सर मेरे हिसाब से जिस पेस पे इकोनॉमी चल रही है, इतनी स्लो पेस पे इकोनॉमी चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि फिस्कल डेफिसिट इस समय रिड्यूस होने लायक है या हो जाएगा रिड्यूस? देखिए, थोड़ा सा मैं आपके एक बार चीज़ को, जो आपने स्टेटमेंट बोली है, उसको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो प्रोविजन बनाया इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, उन्होंने बनाया 3.8% का, जो कि पहले जब जो जुलाई में हमारा बजट आया था उस टाइम पे ये प्रोविजन 3.3% का था। तो जो 3.3 से इन्होंने 3.8% का इन्होंने प्रोविजन बनाया फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-21 के लिए इनका एस्टिमेट है 3.5% का। देखिए, इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ। अगर आप देखेंगे कि सितंबर में कॉर्पोरेट टैक्स को इन्होंने सीधा 30% से 22% पे कम कर दिया, उससे हुआ क्या, आपका टैक्सेस, अल्टीमेटली गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आना है, टैक्सेस से आना है। तो जब टैक्सेस गवर्नमेंट ने कम कर दिए तो सडनली एक टैक्सेस पे एक सेटबैक, पुलबैक आया, टैक्सेस कम हो गए। सो इस रीजन की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना करंट ईयर का एस्टिमेट को 3.8% कर दिया। बट अगर आप देखेंगे उस जो कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया, ऑलरेडी उस चीज़ को 4 महीने बीत चुके हैं। अब हो क्या रहा है, पिछले 3 महीने में जो GST का कलेक्शन है वो मोर देन 1 लाख करोड़ हुआ है। अब गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि धीरे धीरे इस बजट में उन्होंने इनकम टैक्स को कम किया तो डिमांड जनरेट होगी, डिमांड जनरेट होगी तो उससे होगा क्या, GST आपका इंक्रीज होगा, GST इंक्रीज होगा, साथ में जब डिमांड जनरेट होगी तो कॉर्पोरेट अपने एक्सपेंशन करेंगे, कॉर्पोरेट एक्सपेंशन करेंगे उनकी इनकम बढ़ेगी। तो जो उन्होंने टैक्स रेट को कम किया था, कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम किया था, बट अब जब कॉर्पोरेट्स की इनकम बढ़ जाएगी तो वो कम टैक्स रेट भी उनका ज्यादा इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स को प्रोवाइड करेगा। सो इसलिए गवर्नमेंट ने अपना जो एस्टिमेट बनाया फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, वो उन्होंने 3.5% की है, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि मार्केट अब जो है, जो डिमांड है वो मार्केट में इंक्रीज होगी। जब वो इंक्रीज होगी तो हर एक जो उनके रेवेन्यूज हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो इंडायरेक्ट टैक्सेस हो, GST हो चाहे कॉर्पोरेट टैक्स हो, वो उनके बढ़ने की उनकी एक्सपेक्टेशंस है, और उसी रीजन से उन्होंने 3.5 को अपना एस्टिमेट दिया है। सर, अब जनरल प्रोविजन में जो हमारा लास्ट पॉइंट बनता है दैट इज एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये भी हमें वैसे डिस्कस स्टार्टिंग में करना चाहिए था, लेकिन एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए, फार्मर्स के लिए, जो कहते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो क्या एग्रीकल्चर फार्मर्स के या इन सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करे हैं? जी देखिए, इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री ही है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे, पिछले साल मोदी जी ने एक बात बोली थी कि डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, मतलब उनके पास सिर्फ 3 साल बचे हैं, उनको फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। और जो उन्होंने पिछले साल भी अगर आप देखेंगे, उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट करी कि हर एक फार्मर के डायरेक्ट उनके अकाउंट में 6,000 रुपये उन्हें पूरे साल में मिलेगा। तो ये सब स्कीम्स क्या हैं, उनको बेनिफिट देने के लिए। वो चाहते हैं, वो भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि फार्मर सुसाइड करे, क्योंकि फार्मर क्या है, हमारी कंट्री के लिए बैकबोन है। जब तक अगर वो प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो हम लोग क्या खाएंगे।
तो कोई भी नहीं चाहता कि फार्मर सुसाइड करे, और स्पेशली तब वो जब अपने उधार लेने की वजह से, फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट्स की वजह से सुसाइड कर रहा हो, अपनी किसी और अपनी कोई और फैमिली दिक्कत है उसके सुसाइड कर रहा हो तो ठीक है, बट फाइनेंशियली किसी भी कंस्ट्रेंट की वजह से उसे सुसाइड नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट के जो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, गवर्नमेंट इस उसमें काम कर रही है कि फार्मर्स की इनकम 2022 तक डबल हो जाए। इस बजट में उन्होंने, फाइनेंस मिनिस्टर ने 16 पॉइंट एक्शन को उन्होंने एलैबोरेट किया है। 16 पॉइंट में उनके अलग अलग उन्होंने पॉइंट्स को, जैसे फर्स्ट पॉइंट था उनका लॉज के रिगार्डिंग, सेकंड था उनका मेजर्स की 100 जो वाटर स्टैट सिटीज़ हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे, ताकि जैसे सपोज आपके महाराष्ट्र में कई सारी सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे पानी है ही नहीं, तो वो उनके ऊपर फोकस करेंगे ताकि वहाँ पे पानी अच्छे से मिल सके, ताकि इरीगेशन फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड हो सके। फिर उन्होंने अन्नदाता और ऊर्जादाता इस तरह की स्कीम्स चलाई हैं, ताकि अब देखिए एग्रीकल्चर वाले को क्या चाहिए, सोलर, उसे एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ से, उन्होंने जैसे अब रेलवे के लिए उन्होंने क्या किया, सोलर प्लांट लगाएंगे ट्रैक्स के पास, वहाँ से उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी किसान को मिल जाएगी, तो उसको सोलर, उसकी जो एनर्जी की दिक्कत है वो खत्म हो गई। अब जब सोलर एनर्जी होगी तो उसके रेट भी सस्ते होंगे, तो वो फार्मर को बेनिफिट कर सकता है। ठीक है, फर्टिलाइजर, उनका फोकस है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के ऊपर, ताकि हमें अच्छी क्वालिटी, जैविक खेती जो कहते हैं, जैविक खेती जब होगी तो वो हमारी अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और हम उसको एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी फॉरेन कंट्रीज ऐसे हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, वो लोग ऑर्गेनिक फूड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। देन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोगों का प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा होता है, बट हम उसको वेयर हाउस नहीं कर पाते, हम उसको स्टोर नहीं कर पाते। सो गवर्नमेंट का एक और फोकस था जो कि उन्होंने नाबार्ड एक इंस्टीट्यूट है, एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, एक FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इन सब के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ताकि वो अपना एक जो वेयर हाउसिंग है उसको अच्छे से डेवलप कर सकें। किस मॉडल पे? PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर। गवर्नमेंट का काफ़ी सारा फोकस PPP के ऊपर है, अगर आप देखेंगे काफ़ी सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज के ऊपर वो PPP मॉडल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि उससे होता है कि जब आप प्राइवेट प्लेयर को इंट्रोड्यूस करते हो तो वहाँ पर एफिशिएंसी आती है हमारे पास। मतलब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जितनी भी इंडस्ट्री है, जितने भी सेक्टर्स हैं, वहाँ पर हर सेक्टर में प्राइवेट का रोल जरूर हो। प्राइवेट का रोल देखिए होना जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट जो है वो एफिशिएंसी एंश्योर करता है आपका। ठीक है, देन आपका जो है एक विलेज स्टोरेज स्कीम लेके आ रहे हैं। विलेज स्टोरेज स्कीम में क्या करेंगे, वो जो विलेज में हमारे वुमेन वगैरह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह हैं, उनको वो मोटिवेट करेंगे, उनको आगे लेके आएंगे, ताकि वो विलेज में ही अपने स्टोरेज, आप कह सकते हैं स्टोरेज यूनिट्स डेवलप कर सकें। राइट। देन एक बहुत अच्छा उन्होंने एक प्रपोजल दिया, किसान रेल। किसान रेल में क्या कर रहे हैं, वो हर एक एक्सप्रेस ट्रेन में वो एक कोच लगाएंगे। वो कोच किस लिए होगा? खाली पेरिशेबल गुड्स के ट्रांसफर के लिए। ओके। तो जब आप एक चीज सोचिए, आपके एक एक्सप्रेस ट्रेन में एक पेरिशेबल गुड्स के लिए कोच लगा हुआ होगा, और आपके पेरिशेबल गुड्स इजीली मूव कर पाएंगे, ट्रांसफर हो पाएंगे इधर से उधर, तो आपके बहुत सारे इसमें टाइम बचेगा आपका। आप सपोज कीजिए एक पेरिशेबल गुड को एक जगह दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है, खराब हो जाता है, वो सामान खराब हो सकता है आपका, किसी एरिया में कोई और दिक्कतें आ रही हैं, तो वहाँ पे आसानी से खाना पहुँचा सकते हो। तो एक किसान रेल वाला कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। देन उसके साथ उन्होंने किसान उड़ान स्कीम को, एक किसान उड़ान के ऊपर उन्होंने फोकस किया है। उसके अंदर उन्होंने क्या, उनका क्या वो फोकस कर रहे हैं कि आपके नेशनल और इंटरनेशनल रूट्स के ऊपर वो किसानों को एक एविएशन, या आप कह सकते हैं कि फ्लाइट का एक वो मोड भी प्रोवाइड करेंगे, एयर मोड पे ट्रांसपोर्ट स्पेशली। देन उनका एक जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था हॉर्टिकल्चर के ऊपर। हॉर्टिकल्चर का बेसिकली मतलब होता है आपका फ्लोरिकल्चर, जिसमें हमारा फ्लोर्स का प्रोडक्शन भी होता है, देन आपका फ्रूट्स वेजिटेबल्स। सो उन्होंने जो अपने बजट के अंदर एक बात बोली, डेटा बेस्ड बात बोली, उन्होंने ये बोला कि जो हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन था डेट इज मोर देन फूड ग्रेन्स। मतलब जो हमारे चावल की खेती है, जो चावल का प्रोडक्शन हो रहा है, उससे ज़्यादा हमारे देश में वेजिटेबल और फ्रूट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। सो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फ्लोरिकल्चर, इन सब के अंदर क्या होता है, हमेशा हमारा फार्मर्स को एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, इंस्टेड ऑफ एज कम्पेयर टू जो आपका चावल या आपका गेहूँ वगैरह के, उसमें जो रेवेन्यू मिलता है उससे ज़्यादा आपका हॉर्टिकल्चर के अंदर मिलता है। तो अगर हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो मतलब ज़्यादा फार्मर उसकी तरफ जा रहा है, उससे अपने आप उनकी इनकम ज़्यादा अच्छी हो सकती है। देन इसके कुछ एक स्पेशल एक अच्छा पॉइंट था जो क्रेडिट के ऊपर था। जनरली फार्मर्स को लोन लेने में बड़ी दिक्कत आती है, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए 15 लाख करोड़ रुपए सैंक्शन करे, और साथ में किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट की चली आ रही है बट उसको और उन्होंने इम्प्रूव करा है। देन उसके बाद उन्होंने मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, एनिमल्स के डिजीज के ऊपर काफ़ी सारे प्रपोजल्स प्रेजेंट करे हैं। तो एंड देन देर इज़ वन मोर पॉइंट विच इज़ ऑन ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या होता है, मैं एक सेकंड आपको जरूर बताना चाहूंगा। ब्लू इकोनॉमी बेसिकली क्या है, ये जब से मोदी गवर्नमेंट है तब से इनका फोकस ब्लू इकोनॉमी के ऊपर ज्यादा हो गया है। ब्लू इकोनॉमी जो भी आपके जो कि वाटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, चाहे वो फिशरीज हो गया, चाहे वो मेरीन के रिलेटेड और चीज़ें हो गई, वो सब चीज़ें ब्लू इकोनॉमी के अंदर कवर होती हैं। तो क्योंकि देखिए हमारा इंडिया जो कंट्री है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, बिल्कुल
सो जब से मोदी गवर्नमेंट 2014 में आया था तब से उनका जो फोकस था वो ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के ऊपर था, और इसके लिए इन्होंने इस बार भी काफ़ी सारा इन्होंने फिश प्रोडक्शन के लिए, फिश के इंक्रीज के लिए इन्होंने 20 लाख टन का अपना वो रखा है टारगेट। देन उन्होंने ये एक चीज़ रखी है जो इनका लास्ट पॉइंट था, वो ये था कि रूरल यूथ इन सागरमाला, सागर मित्रा बेसिकली वो आपका ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड ही है। उसमें जब आपका फिशरी को आप डेवलप करोगे, फिशरी के प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे, तो यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा वहाँ पे। मतलब ये यूथ को उसमें एज अ पार्टनर या एज अ मतलब इन्वॉल्व करना चाह रहे कि वो भी साथ में जुड़े हैं इसके साथ, ऐसा कुछ नहीं? नहीं देखिए, इसमें होगा क्या, जब गवर्नमेंट कहेगी कि आपको फिशरीज का प्रोडक्शन बढ़ाना है, वो उसके लिए ज़्यादा आपको सपोज कोई फंडिंग प्रोवाइड करती है, तो ज़्यादा यूथ जो है जो कोस्टल एरिया में रह रहे हैं वो अपना जो जीवन आजीविका के लिए वो ये काम भी पकड़ सकते हैं। वरना जनरली होता क्या था, लोग समझते थे कि यार हम लोग अगर मछली पकड़ रहे हैं तो उसमें कितना हम कमा लेंगे, बट अगर गवर्नमेंट उस चीज़ को सपोर्ट करती है तो जो यूथ है वो उस काम में आगे आ सकते हैं। मतलब कोस्टल एरियाज में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट, ये उस चीज़ को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट का मेन एम है वो ब्लू इकोनॉमी या सागर मित्रा, इसका एम यही है कि कोस्टल एरिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, वहां से लोगों को छोड़ के अपने जो कोस्टल एरिया है उनको छोड़ के शहरों की तरफ ना आना पड़े। ओके ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर। तो सर मेरे तो यही क्वेश्चंस थे कुछ जो हमें डिस्कस करने थे या फिर जो मैंने बना रखे थे। अगर आपको कुछ और इसमें ऐड करना है तो सर आप प्लीज इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं, अगर आपको को लगता है कि कोई पॉइंट रेलेवेंट है शेयर करने लायक। तो मुझे देखिए ऐसा लगता है कि मैं अगर एक आपको ओवरऑल बजट की एक पिक्चर देना चाहता हूँ, वो मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने हर एक, जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपने बोला कि इंक्लूसिव एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड, मुझे लगा इंक्लूसिव का मतलब क्या होगा कि ये हर एक सेक्टर को किसी ना किसी तरह से क्लब कोशिश कर रहे हैं कि वो जुड़ सके इनसे। इनके बजट में हर एक चीज़, हर एक सेक्टर को लेके कुछ ना कुछ किसी ना किसी सेक्टर को ना देने की कोशिश करी है। आप हर किसी को कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, पर इन्होंने हर किसी को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करी है। गवर्नमेंट हर किसी को खुश नहीं कर सकती, इसीलिए अगर आप देखें, आपने जैसे बोला शेयर मार्केट 3% डाउन गया, हो सकता है कुछ रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे हो कि उन्हें इमीडिएटली टैक्स में कंसेशन मिल जाएगा, बट देखिए गवर्नमेंट को अपना जब पैसा आएगा तभी तो वो खर्चा करेंगे। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज के टाइम में गवर्नमेंट डेली मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं हो 30-40 किलोमीटर सड़क डेली बना रहे हैं गवर्नमेंट, तो अपने आप में अगर आप देखेंगे फ्लाईओवर जनरेट हो रहे हैं, एक्सप्रेसवे डेवलप हो रहे हैं जहाँ पे आपको रुकना नहीं पड़ता, आप गाड़ी एक बार स्टार्ट करते हैं आप सीधे अपने डेस्टिनेशन पे जाके उतरते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए, गवर्नमेंट सब पे पैसा खर्च कर रही है, सबको पैसा एलोकेट कर रही है, बट पैसा आएगा कहाँ से? हम लोगों से आएगा क्योंकि हम टैक्स पेयर्स हैं। तो जब हम लोग चाहते हैं कि हम टैक्स ना पे करें बट हमें सारी फैसिलिटी मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये बजट काफ़ी एक इंक्लूसिव है, हर एक सेक्टर को अफेक्ट कर रहा है, पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है। कुछ लोगों को कुछ जगह लग सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब सपोज कीजिए कि कोई कंज्यूमर है, उसको फॉरन का ही फर्नीचर परचेज करना है, तो उसे लगेगा कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई। अब ठीक है आपके लिए बढ़ गई, बट जो एक सपोज कीजिए एक डोमेस्टिक यूनिट प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर है, एक फर्नीचर डेवलप कर रहा है, उसके लिए तो बेनिफिट है ये, बिल्कुल उससे बेनिफिट है। साथ में जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें डोमेस्टिक फर्नीचर एट अ चीपर रेट मिलेगा, तो उनके लिए भी बेनिफिट है ये। सो हर एक चीज़ को अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखना चाहेंगे तो हमें बहुत कुछ पॉजिटिव मिलेगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली ये बजट काफ़ी अच्छा था, कुछ काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, बट इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट काफ़ी खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोग्राम्स स्टार्ट किए हैं, FPIs को इंक्रीज़ कर रहा है गवर्नमेंट, एक स्पेशली जो एजुकेशन के अंदर स्टार्ट किया है वो एक ये डेवलप बनाएंगे एक नया बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसका काम क्या होगा, वो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को वो मैनेज करेगा, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन। साथ में ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो बैंक्स की नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होती है, अभी क्या होता था सारी सब बैंक्स अपने अलग अलग एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करते थे, उसमें होता क्या था, टाइम वेस्ट हो रहा है, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी डेवलप बनाएगी जिसका काम क्या होगा, सारे नॉन गैजेटेड पोस्ट के रिक्रूटमेंट का सारा काम वही देखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा एक प्रपोजल है ये, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा कुछ लोग कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज कर रहे हो आप हर चीज़ को, बट अगर सेंट्रलाइज नहीं करोगे तो आप रिसोर्सेज को वेस्ट भी तो कर रहे हो, वेस्ट। सो आपको एक चीज अगर पॉजिटिव है तो उसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी रहेगा, बट अब वो उसका पॉजिटिव ज्यादा है या नेगेटिव ज्यादा है ये हम लोगों को देखना है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा रहेगा। बाकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए गवर्नमेंट का काफ़ी अच्छे प्रपोजल्स रहे हैं, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहती है, सोलर गवर्नमेंट ने प्रीपेड मीटर्स को लॉन्च करा है, उससे क्या होगा 22,000 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एलोकेट किया है, अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। साथ में जैसे गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमी के कंसेप्ट में, जिसमें गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, क्वांटम टेक्निक्स, इन सब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इन सब के ऊपर फोकस कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज के लिए गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत, इन सब स्कीम्स को लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि हमारे जो जो लोग ऐसे हैं, गरीब लोग हैं जो बड़ी बड़ी सर्जरी वगैरह को अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए गवर्नमेंट इंश्योरेंस कवर लेके आई हुई है।
देन अगर आप देखेंगे कि ऑयल एंड नेचुरल गैस गवर्नमेंट उसकी नई नई पाइपलाइंस को बढ़ा रही है, उससे होगा क्या, अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी का सारी चीज़ों का बेनिफिट है। देन अगर आप बात करते हैं, एक ज़रूरी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों का शेयर करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट बना रही है एक इंडियन स्टैटिस्टिकल डेटा सेंटर के लिए, एक डेटा सेंटर डेवलप करेगी गवर्नमेंट। उसमें होगा क्या, आपको रियल टाइम डेटा मिलेगा कि इंडियन इकोनॉमी में कितनी इन्फ्लेशन है, किस रेट पे है, कितनी ग्रोथ रेट है, क्या हमारी एम्प्लॉयमेंट है, सारे डेटा जो अभी अगर आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था, एक न्यूज़ आई थी कि इंडियन गवर्नमेंट डेटा को छुपा रही है, रिलीज़ नहीं करने दे रही मीडिया के आगे, ताकि वो, क्योंकि वो डेटा ऐसा था कि शायद मतलब इंडियन इकोनॉमी को खराब, उसके डाउन ट्रेंड को शो कर रहा था। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब डेटा सेंटर डेवलप करेगा, वो सब रियल टाइम डेटा बेस्ड होगा। तो आपको जो भी उस प्रेजेंट डेट पे डेटा होगा, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का हो चाहे ग्रोथ का हो, वो सब आपको ईजिली मिल सकता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी को इंट्रोड्यूस कर रही है, ताकि देखिए किसी भी इन्वेस्टर या किसी भी फर्म या किसी भी कंज्यूमर को गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ट्रस्ट नहीं होगा तो हम लोग कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो उस ट्रस्ट को डेवलप करना, अगर गवर्नमेंट उसके लिए एक स्टेप आगे इंट्रोड्यूस कर रही है, अपने आप को बढ़ा रही है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्टेप है ये। गवर्नमेंट अगर कोई भी देखे कोई भी एक कदम आगे बढ़ाता है तो वो चाहता है कि ये चीज़ रहे, तो गवर्नमेंट चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी रहे गवर्नेंस के अंदर। और साथ में हमने हमेशा देखा है गवर्नमेंट, ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हमेशा करप्शन के अगेंस्ट है, तो काफ़ी इन्होंने काफ़ी स्टेप करे हैं, काफ़ी इनकी रेट्स होती रहती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि प्रेजेंट गवर्नमेंट अच्छी है, और लॉन्ग रन में जो इनका बजट है, इसी तरह से बजट हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सर, आपने काफ़ी कुछ डिस्कस किया और काफ़ी कुछ नॉलेज भी शेयर करी मुझसे भी और मेरे व्यूअर से भी। तो आप इस वीडियो से भी जुड़े रहिएगा, ये अभी हमने बजट डिस्कशन को ख़त्म नहीं किया, हम इसका अभी पार्ट टू भी लेके आएंगे, जिसमें हम फाइनेंस एंड टैक्सेशन के प्रपोजल्स को भी डिस्कस करेंगे। अभी हमने जनरल इकोनॉमिक प्रोविजन्स को या प्रपोजल्स को डिस्कस किया, फाइनेंस एंड टैक्सेशन के लिए वी विल कंटिन्यू दिस इन पार्ट टू। तो स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं पार्ट टू में जल्दी। थैंक यू वेरी मच।